Cause I just wanna go, go, go to the deep end. टेक्निकल बेस में आपका स्वागत है। आइए लेजेंड्स, बहुत सारी जबरदस्त गर्मा गर्म खबर लेके आया हूँ और मुझे लगता है आप लोग अभी लेजेंडरी डांस सीख गए होंगे, लेकिन अगर थोड़ा और प्रोफेशनल होना है इसके अंदर तो आपको तो पता ही हमारा ये वाला वॉकिंग लेजेंडरी डांस ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन एक बार ट्राई करिएगा। हाँ, ऐसा देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन इजी है। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई आप इनमें से कौन सा OTT ऐप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे ज्यादा वोट्स है Amazon प्राइम वीडियो, उसके बाद Disney प्लस Hotstar, फिर Netflix वगैरह वगैरह। मुझे नन वाला भी ऑप्शन देना चाहिए था क्योंकि काफी सारे लेजेंड्स कमेंट में नाराज हो गए कि भाई हम तो कुछ भी यूज नहीं करते। बहुत सारे अल्ट्रा लेजेंड्स थे जिन्होंने टेलीग्राम का भी नाम लिया। आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है बगमी पर, देख लेना। साथ में मैं मेरे बाल से परेशान हो गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ टकला होने का, और जिस दिन मैं टकला हुआ उस दिन मैं कांचा चीना बनेगा। लाइक करिए, कांचा चीना मेरा बाहर मत निकालिएगा, लाइक करिए। फटाफट से आज की रेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से। आज तीन खबरें आ रही है, सैमसंग फुल एकदम गर्मा गर्म माहौल में है। बेसिकली सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि M32 दोस्तों ये फोन लॉन्च हो रहा है 21 जून को, हमारी अनबॉक्सिंग 24 जून को आएगी, और इसका एक नया टीजर वीडियो बाहर आ गया है। फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 6000 mAh बैटरी, यानी कि वो बता रहे हैं कि जो कंटेंट कंजम्पशन होगा, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका बहुत ही कमाल का होगा। और ऑब्वियसली दोस्तों अगर सुपर एमोलेड 90Hz रिफ्रेश रेट और बड़ी बैटरी तो ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत अच्छी है। और मुझे ये फ़ोन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बस देखते हैं कि क्या प्राइस पर ये फ़ोन लॉन्च होता है। साथ ही साथ दोस्तों सैमसंग ने ना एक न्यू मेमोरी सॉल्यूशन चिप लॉन्च कर दिया है स्मार्टफोन्स के लिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और सैमसंग इसको बोलता है LPDDR5 UMCP। बेसिकली ये जो मॉड्यूल है इसके ऊपर आपको LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज दोनों एक साथ इसके ऊपर मिलेंगे। इससे सैमसंग ने बताया कि आपका जो स्मार्टफोन यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़ जाएगा। इनफैक्ट UFS 2.1 और LPDDR4X से इसको कंपेयर करते हैं तो 50% ये उनसे ज़्यादा फास्ट है। तो एक अलग तरीके का न्यू मेमोरी सॉल्यूशन सैमसंग ने लेके आ गया और बहुत ही जल्दी हमें मिड रेंज और फ्लैगशिप फोन्स में ये देखने को मिलेगा, जो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और फाइनली सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 इसके कुछ लाइव नहीं रेंडर्स बाहर आ गए और देखकर थोड़ा बढ़िया लग रहा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप वगैरह है, तो हाँ कुछ इस तरीके का है। बस देखते हैं ये August 3rd को बोल रहे आने के लिए, आएगा तो मैं भी टी टॉक करके आपको जरूर से बताऊंगा। फाइनली OnePlus Nord N200 5G ये फोन दोस्तों ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और जो प्राइस बाहर आई है वो है 17,000 रुपये, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। रैम ठीक है लेकिन स्टोरेज एटलीस्ट 120GB होनी चाहिए थी। 15,000 रुपये के ऊपर ये फोन है। स्नैपड्रैगन 485G ये चिपसेट है, फुल HD प्लस वाली 90Hz IPS डिस्प्ले, 13MP ट्रिपल कैमरा, 16 की सेल्फी, 5000 mAh बैटरी और 18W चार्जिंग। ये जो डायमंड सिटी 700 वाले फोन्स आए ना, Realme 8 5G, Poco M3 Pro 5G वगैरह, उनसे बहुत मिलता जुलता है, बस चिपसेट में ज़्यादा और कैमरे में थोड़ा बहुत फर्क है। ओवरऑल डिसेंट है, बस अगर देखते हैं इंडिया में भी आ जाए 15,000 की रेंज में तो नॉट बैड। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताना। Realme GT कल लॉन्च हुआ, जैसे कि मैंने आपको प्राइस बता दिया था ना जो लीक हुई थी, अपनी टेक्नोस में सब कुछ पक्की होती है, समझे क्या? तो हाँ वही सेम प्राइस पर गया था, अराउंड 32,000 ग्लोबली, वो अर्ली बर्ड थी और इंडिया में भी मुझे लगता है कि जब ये आएगा तो 30,000 की रेंज का ही होगा। एनीवेज छोड़ो, Realme जो बुक है, जो उनका लैपटॉप है, और Realme जो पैड है, ये भी उन्होंने वहां पर टीज कर दिया था लेकिन लॉन्च नहीं किया, वो इस साल एंड में शायद वो लॉन्च हो सकता है। और उसी से रिगार्डिंग माधव शेठ जी ने इंडिया में ट्वीट किया और पूछा हमसे कि सबसे पहले आप क्या चाहते हैं कि लॉन्च हो, Realme बुक या Realme पैड। हाँ तो मतलब इंडिया में भी ये दोनों बड़ी जल्दी आ रही है। वैसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्या चाहते हैं, इससे रिगार्डिंग पोल भी रखा हो, Realme बुक या Realme पैड, वोट डालिए और कमेंट में जरूर से बताना। जियो ने एक बहुत ही कमाल का काम कर दिया है इंडिया के अंदर, उन्होंने मुंबई के अंदर अपना 5G ट्रायल्स शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उन्होंने अपने खुद के 5G इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया, मेड इन इंडिया 5G, ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी है। वैसे उन्होंने मिड और जो मतलब सब 6 GHz जिसको हम बोलते हैं और MM वेव दोनों का उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो देखते हैं। वैसे एयरटेल ने तो गुड़गांव में कर दिया था, आई थिंक जियो ने यहाँ पर किया और ये जोरों से चल रहा है, बस जल्दी से सक्सेसफुल हो जाए फिर कमर्शियली आ जाए फिर तो मज़ा आ जाएगा।
विंडोज 11 24 जून को दोस्तों ये आने वाला है और उसके पहले ही दोस्तों ये लीक हो गया खुले में। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने इलीगली इसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। विंडोज 10 से सीधा विंडोज 11 अपग्रेड कर दिया, इसके कुछ वीडियोस वगैरह बाहर आ गए, स्क्रीनशॉट्स बाहर आ गए और देखकर तो हाँ डिफरेंट लग रहा है। विंडोज 10X जैसा थोड़ा फील आ रहा है राउंडेड कॉर्नर से, और स्टार्टअप साउंड जो है वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा, फॉन्ट्स और थोड़ा सा थीम भी थोड़ा आपको अलग दिखाई दे रहा है, वॉलपेपर्स भी काफ़ी अलग है। हाँ तो थोड़ा डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, लेकिन क्या यार पूरा मसाला इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। ये जो होता है ना ये थोड़ा गलत भी होता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज आने दीजिए दोस्तों, जब ऑफिशियली आएगा 24 जून को उसके बाद आपको इसके ऊपर भी रिव्यू जरूर देंगे। ट्विटर की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, पहली बार ऐसा हुआ रहेगा कि इतना बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर लायबल हो चुका है। मतलब जो उनको बोला गया था कि IT लॉ से कंप्लाई करो वो लोग फेल्ड हो गए, उसमें जो सेफ हार्बर होता है वो उनका यहाँ पर छीन चुका है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, और जहाँ पर अब पुलिस क्वेश्चनिंग या हर तरीके से क्रिमिनल एक्ट वगैरह के लिए ये लागू हो चुका है ट्विटर इंडिया के अंदर। लेकिन तुरंत उसके बाद ये भी बताया गया कि उन्होंने फिर अपने कंप्लायंस ऑफिसर्स और ये सब कुछ अपॉइंट करने के लिए रेडी कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि भाई हमको भी पंगे नहीं करना है। तो मतलब ट्विटर जो है वो जो लफड़े चल रहे थे इतने दिन से, जो मोहलत मांग रहा था वो उस पर खरा नहीं उतरा, तो बहुत ही बड़ी मुश्किल में अब ट्विटर यहाँ पर इंडिया में आ चुका है। मुझे भी वेरिफिकेशन टिक नहीं दिया था, क्या करूँ मैं, करा ना स्किप, ठीक है आई फॉरगिव यू, कोई बात नहीं, स्किप किया आई फॉरगिव, इट्स कम्प्लीटली फाइन। एनीवेज बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पर हमने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ से कोशिश कर रहे इस गेम को रोकने के लिए, लेकिन जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया कि पहले लॉन्च होने दो उसके बाद देखते हैं हमारी गवर्नमेंट का फैसला क्या होता है, वो सेटिस्फाई हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज आज क्या हो गया दोस्तों कि उन्होंने अपने सपोर्ट पेज जो है उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को वहाँ पर अपडेट कर दिया और एक नई चीज़ ऐड कर दी है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जब आप इस गेम को खेलेंगे तो लॉगिन के लिए या साइनअप के लिए आपको अपने फोन नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ आपके फोन पे फिर आपको OTP आएगा और फिर वो OTP डाल के आप वेरीफाई होगी और उसके बाद आप गेम को खेल सकते हैं। और इसमें भी उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई है कि कितनी बार OTP आ सकता है, कितनी बार आप ट्राई कर सकते हैं, एक नंबर से कितने अकाउंट्स यूज हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर दी है। तो ठीक है अब देखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, वो लोग तो बहुत अपडेट कर रहे हैं, बस आने के बाद क्या होता है सबसे बड़ा कंसर्न ये, 18 जून आएगा नहीं आएगा देखते हैं, आपको पूरी अपडेट मिलते रहेगी। फाइनली पोको वालों ने अपने जो पोको X2 में जो डेड कैमरा इशू था उसका फिक्स यहां पर निकाल दिया है, जहां पर उन्होंने ट्वीट किया, एक बड़ा लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि कैसे फिक्स्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उसके बाद भी अगर इशू होता है तो आप सर्विस सेंटर जाइए वगैरह वगैरह। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि बहुत सारे यूजर्स ऐसे जो जान पूछ के ऐसा कर रहे हैं कैमरा में ब्रिक डेड वगैरह ये सब करते हैं ताकि सर्विस सेंटर में जाके उनको रिप्लेसमेंट मिल जाए। अब ये सब करने की उनको जरूरत नहीं थी, अभी मुझे पता नहीं लोग करते भी होंगे नहीं करते होंगे, लेकिन अब खैर ये बोल दिया उन्होंने, और ये पहले ही सब कुछ सही हो जाता तो बढ़िया होता था, हम सब क्रिएटर्स बीच में आए इतना हल्ला बोला ट्विटर के ऊपर, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो हाँ सारी ब्रांड्स को ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों ये फिक्स ट्राई करिए, अगर सही होता है तो अच्छा है, जो भी है कमेंट में मुझे जरूर से बताना। क्या आपको बताया दोस्तों स्टीव लिच, ये खबर वैसे इंडिया की नहीं बाहर की होगी, एक मिल्कमैन है मतलब दूध वाला, वो कहीं से जा रहे थे जहां पर उन्होंने एक दुकान में आग लगते हुए देखा, उनके वैन में 320 पिंट्स ऑफ मिल्क था, वो सारे के सारे उन्होंने उस पर डाल के उस आग को बुझाया, हाँ दूध से आजू बाजू 7 स्टोर्स थी उनको भी जलने से बचाया, उनको हीरो मिल्कमैन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड मिला था। जी हाँ आज के दिन अच्छी लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।